बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मैंने 600 ग्राम बड़े का गोश्त लिया है। मैंने इसको इस तरीके से पीसेज में कटवा लिया है, लंबे लंबे चपटे चपटे पीसों में, क्योंकि हम लच्छे वाली नारी बनाएंगे तो हमारे इस तरीके के पीस अगर होंगे तभी हमारे लच्छे अच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से आपको भी अगर लच्छे वाली नारी बनानी हो तो गोश्त का बोटा लें और उसको इस तरीके से पीसेज में कट करवा लें, या तो या फिर आप खुद घर पर कर लें। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से धो करके उसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसकी नारी बनाएंगे, तो जिस भी बर्तन में हम इसको बनाएंगे उसमें ऐड कर लेंगे। देखिए, ये मैंने कुकर लिया है, मैं इसको कुकर में बनाऊंगी। हम गोश्त को कुकर में ऐड कर देंगे। इन गोश्त को मैंने नली को इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने प्याज लिए हैं, ये मेरी 200 ग्राम प्याज हैं। मैंने इनको छील करके अच्छे से धो लिया है। अब इनको हम बारीक बारीक पीसेज में कट कर लेंगे। ये देखिए, प्याज़ों को मैंने कट कर लिया है। आप चाहो तो प्याज़ों को थोड़े बड़े पीस भी कर सकते हो, क्योंकि हम गोश्त को गलाएंगे तो गोश्त के साथ ही प्याज भी हमारी गल जाएंगी। अब हम इन प्याज़ों को भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी मैंने लहसुन लिया है, ये मैंने 2 गिठान लहसुन की ली थी, इनको छील लिया है। अगर हम इसका वेट करेंगे तो 20 ग्राम लहसुन है, ये लहसुन को भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है, हल्दी को इसमें ऐड कर देंगे। और ये 1 चम्मच भर के धनिया लिया है, धनिया को भी इसमें ऐड कर देंगे। ये 1 चम्मच नमक लिया है, नमक को भी इसमें ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अब हम कुछ गर्म मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए, ये मैंने करीब 15 काली मिर्च ली है, इनको इसमें ऐड कर देंगे। ये 6-7 लौंग ली हैं, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये 1 टुकड़ा जायफल का लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये थोड़े से टुकड़े मैंने जावित्री के लिए हैं, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये 2 तेज पत्ते लिए हैं मैंने, इनको देखिए पीसेस में तोड़ लिया है, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब ये 1 बड़ी इलायची ली है और ये 4 छोटी इलायची ली हैं, इनको ईमानदस्ते में कूटेंगे और इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये इलायची को देखिए मैंने कूट लिया है, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/2 चम्मच जीरा लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये 1/2 चम्मच सौंफ ली है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये गरम मसालों को अगर आप चाहो तो आप पीस के भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैंने इस वाली नहारी में इनको साबुत डाला है। मैंने पहले 2 वीडियो नहारी की ओर डाली है, उनको मैंने अलग तरीके से बनाया है। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पर उनको भी देख सकते हो, उनको मैंने बिल्कुल अलग रेसिपी से बनाया है। ये 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है और 1 चम्मच मैदा लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें करीब 2 गिलास इतना पानी ऐड कर देंगे। अब इन सभी को मिक्स कर देंगे। मिर्चें इसमें हम अभी ऐड नहीं करेंगे, मिर्चें हम बाद में ऐड करेंगे। देखिए, मैंने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। ये कुकर को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, चूल्हा ऑन कर देंगे। तो चम्मच को तो हटा लेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। अब फुल फ्लेम पे इसमें 1 सीटी ले लेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। हाई फ्लेम पे कुकर में 1 सीटी आ चुकी है, फ्लेम को लो कर देंगे। और लो फ्लेम पे अब हम इसको करीब 40 मिनट पकाएंगे। गोश्त को एकदम अच्छे से गला लेंगे। निहारी के लिए हम ऑयल गरम कर लेंगे। ये ऑयल के लिए मैंने देगची को चूल्हे पर रख दिया है, चूल्हा ऑन कर देंगे। अब इसमें 3 चम्मच भर के करीब 200 ग्राम जितना ऑयल ऐड कर देंगे और इस ऑयल को हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। ये देखिए, ऑयल में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को तो ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये हमारे गोश्त को भी गलते हुए 40 मिनट हो चुके हैं, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी स्टीम को खुद ब खुद ही निकलने देंगे। ये देखिए, कुकर की स्टीम भी निकल चुकी है। अब हम इसको खोल करके चेक कर लेंगे। मैं आपको ये गोश्त को चेक करके बता दूंगी कि गोश्त हमारा कितना गल गया है। देखिए, ये बोटी को मैंने निकाल लिया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा गोश्त गल चुका है। देखिए, ये हमें इतना ही गला हुआ चाहिए। हम इस नली को तो बाहर निकाल लेंगे और इसको ढक करके भी साइड में रख देंगे। चूल्हे को तो ऑन कर देंगे। अभी मैंने 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है, मिर्चों को इसमें ऐड कर देंगे। मिर्ची आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और ये 200 ग्राम मैंने दही लिया है, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, हम दही को भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। देखिए, जो ये बोटी है इनको इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। सभी बोटियों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे।
हम ये नहारी को लच्छे वाली नहारी बना रहे हैं, तो इसलिए हम बोटी को मिक्स करेंगे। अगर आपको बोटी को साबुत रखना है तो आप थोड़ा कम गला लें और इसी तरीके से बना लें आप नहारी को। देखिए बोटियाँ भी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और ये थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है नहारी। अब इसमें हम ये ऑयल ऐड कर देंगे। देखिए ये ऑयल भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इस ऑयल को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए हमारी निहारी की भुनाई हो चुकी है। अगर आपको लगे भुनाई करते वक्त कि आपकी निहारी में ऑयल आपको कम लग रहा है तो थोड़ा ऑयल आप लें, उसको गर्म करें और गर्म करके इसमें ऐड कर दें भुनाई करते वक्त ही, और इसकी भुनाई कर लें। तो देखिए ये हमारी निहारी की भुनाई हो चुकी है। अभी जो ऊपर तेल दिख रहा है इसमें थोड़ा सा तेल हम अभी बाहर निकाल लेंगे। तरीके से कुकर को टेढ़ा करें और इसमें से थोड़ा सा तेल बाहर निकाल लें। अगर आप इसको इतनी भुनवा रख रहे हो तो ये तेल को बाहर नहीं निकालें, और अगर आप इसको थोड़ा पतला करें तो थोड़ा सा तेल पहले बाहर निकाल लें उसके बाद इसमें पानी ऐड करें। तो देखिए मैंने बाहर निकाल लिया है तेल को, अब इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब मुझे नहारी को थोड़ा सा पतला करना है, तो देखिए मैंने आधा सा गिलास पानी लिया है, पानी को भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। फ्लेम को हाई कर दूँगी और हाई फ्लेम पर इसमें खदके आने दूँगी। तो देखिए खदके आना स्टार्ट हो चुके हैं, अब हम इसको ढक देंगे। मैंने इसको ढक दिया है, अब फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही और पकाएंगे, जिससे हमारा तेल ऊपर आ जाएगा और पानी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं हो तो आप नली को इस वक्त इसमें ऐड कर दें, वो नली को गर्म कर लें। मैं अभी नली को इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, जिस वक्त मैं निहारी को सर्व करूँगी उस वक्त माइक्रोवेव में नली को गर्म कर लूँगी। इसको ढके हुए 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को तो ऑफ़ कर देंगे। ऑयल जो हमने निकाला था उसमें से आधा ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। आधे ऑयल को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो देखिए ये हमारी निहारी बनकर के रेडी है, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए निहारी को मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी लच्छे वाली निहारी हमारी बनकर के रेडी हुई है। अब इस ऑयल को हम बाद में यूज़ करेंगे, तब भी हम निहारी को सर्व करेंगे तब हमें बाद में लगेगा कि इसमें ऑयल कम हो गया, तो हम इस ऑयल को ऐड करेंगे इसके ऊपर और इसको सर्व कर लेंगे। तो इसको अभी तो हटा देंगे, अब हम इसको सर्व करने के लिए रेडी करेंगे। तो देखिए प्याली लेंगे कोई भी, उसमें जितनी भी निहारी आपको सर्व करनी है उतनी निकालें। अब इसको तो हम ढक करके साइड में कर देंगे। और इसको सर्व करने के लिए रेडी करेंगे। ये मैंने हरी मिर्च ली है, ये फीकी वाली हरी मिर्च ली है मैंने। पीपरी वाली हरी मिर्ची है वो ज़्यादा इसमें अच्छी नहीं लगती हैं। देखिए मैंने हरी मिर्चों को इस तरीके से कट कर लिया है, आप चाहो तो इनको लंबे लंबे पीसेस में कट कर सकते हो। अब इनको हम इस पर ऐड कर देंगे अपने पसंद के हिसाब से। मैंने थोड़ी सी अदरक ली है, इसको भी बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है, इसको भी हम इस पर ऐड कर देंगे। अभी देखिए नींबू लिया है मैंने, इसको कट कर लिया है और चाकू की हेल्प से इसके बीज निकाल लिए हैं। अब जितना भी खट्टा आप पसंद करते हो उतना नींबू इसमें ऐड कर लें। ये मैंने हरा धनिया को धो करके बारीक बारीक कट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने थोड़ा सा बटर लिया है, आप चाहो तो इसमें घी भी ले सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। ये बटर को देखिए मैंने मेल्ट कर लिया है, हम बटर को इसमें डाल देंगे। अभी देखिए ये जो हमारी नली है इसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है। ये नली के गुद्दे को निकालेंगे और इस पर ऐड कर देंगे। ये नली के गुद्दे को मैंने निकाल लिया है, इसको भी हम निहारी पर ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप भी निहारी ज़रूर बनाइए, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।